हाय फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का नई वीडियो में वेलकम है। बट कैसे मेरे एडिटर फ्रेंड्स, आई होप आप एकदम मस्त होंगे, मस्त रहेंगे। बट दोस्तों, आज का इस वीडियो में सीखूंगा ये वाला एडिटिंग। तो दोस्तों, ऐसा एडिटिंग करने के लिए आपको कौन सा बैकग्राउंड, कौन सा पीएनजी यूज़ करना पड़ेगा, मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। एंड आप मेरे चैनल पर नहीं होते, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर बार क्रिएटिव एडिटिंग मिलती है। और दोस्तों, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर हर फोटो एडिटिंग की अपडेट देता रहता हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर फोटो एडिट करने के लिए। टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों, मैं पिक्सार्ट के अंदर आ गया हूँ बागी 3 का पोस्टर को लेकर। बट दोस्तों, अब मैं चलता हूँ अपने ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद दोस्तों, आता हूँ मैं रिसेंट पर। रिसेंट माने के बाद अब आता हूँ मैं नीचे आने के बाद दोस्तों पीएनजी पिक्सार्ट में। पीएनजी पिक्सार्ट माने के बाद नीचे आता हूँ थोड़ा सा। एंड नीचे आने के बाद नीचे थोड़ा सा और आता हूँ नीचे। एंड नीचे आने के बाद दोस्तों, इसमें मैं ये वाला अपना मॉडल सेलेक्ट कर लूँगा। एंड इसमें मॉडल ये वाला सेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। एंड इसको बड़ा करने के बाद अब मैं चलता हूँ इरेज के आइकन पर। एंड इसको इरेज के आइकन पर जाकर इसको फोटो को मैं जूम करके दोस्तों नीचे की साइड से इसको मैं रब कर दूंगा ऐसे करके। एंड इसको इधर से भी सगले को इसको मैं रब कर दूंगा। एंड दोस्तों, मैंने इसको इरेज कर दिया, मैं कर दूंगा इसको राइट। एंड राइट करने के बाद अब मैं दोस्तों इसको फ्लिप रोटेट में आकर इसको मैं उल्टा कर लूंगा। एंड इसको उल्टा करने के बाद दोस्तों, फिर से आता हूँ इरेज के आइकन पर। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा रब कर लूँगा, दिख रहा है थोड़ा सा। एंड इसको कर दूंगा राइट। एंड इसको राइट करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा। इसको छोटा करने के बाद फोटो को अब मैं दोस्तों फोटो को जूम कर दूंगा। एंड इसको जूम करने के बाद इसके मैं गर्दन को अपनी इस पर सेट कर दूंगा अच्छे तरीके से। एंड दोस्तों, देखिए मैंने इस पर गर्दन पर लगा दिया, जमा दिया। दोस्तों, मैं चलता हूँ दोबारा से इरेज के आइकन पर। इसको मैं जूम करके दोस्तों इधर से थोड़ा सा कट कर दूंगा। एंड इसको भी थोड़ा सा इधर से कट कर दूंगा मैं। एंड दोस्तों, मैं फोटो कर दूंगा राइट। एंड यहाँ से राइट करने के बाद अब दोस्तों देखिए, मैंने जो फोटो लगा लिया है। बट दोस्तों, अब मैं ऐड फोटो में आता हूँ। ऐड फोटो में आने के बाद दोस्तों, रिसेंट पर रिसेंट में आने के बाद मैं पीएनजी पिक्सार्ट में। एंड पीएनजी पिक्सार्ट में आने के बाद इसको मैं लोगो को सेट कर लूँगा अपने को। एंड इसको यहाँ रखने के बाद दोस्तों, अब मैं फोटो को राइट कर दूंगा। एंड इसको फोटो को राइट करने के बाद दोस्तों, अब आता हूँ मैं इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में आने के बाद अब दोस्तों, मैं आता हूँ इस पर डॉट गियर पर। एंड डॉट गियर पर आने के बाद अब मैं दोस्तों इसको डिक्रीज़ कर दूंगा। अब दोस्तों, मैं आता हूँ नॉइज़ पर। एंड इसको मैं थोड़े से एंड दोस्तों, मैं डोगेट पर आकर इसको मैं स्क्रीन करके दोस्तों इसको मैं इरेज के आइकन पर जाकर इसको मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एंड हमें फोटो को जूम करके दोस्तों इसको मैं ऐसे ही कर दूंगा। एंड दोस्तों, मैं फोटो कर दूंगा यहाँ से राइट। एंड राइट करने के बाद इसको मैं राइट कर दूंगा। एंड दोस्तों, मैं दोबारा से आता हूँ इसमें ही, दोबारा से इफेक्ट में आता हूँ। एंड दोबारा से इफेक्ट में आने के बाद एंड दोस्तों, मैं आता हूँ HDR पर। HDR पर आने के बाद एंड इसमें दोस्तों, मैं इसकी फेड को थोड़ी सी इतनी इंक्रीज कर दूंगा, इसकी इंसर्ट को थोड़ी इतनी इंक्रीज कर दूंगा, इसके ब्लर को एंड इसकी ब्लर को इतना कर दूंगा। एंड इसको इसकी सेचुरेशन को इतनी कर दूंगा। एंड दोस्तों, मैं आता हूँ इस वाले ऑप्शन पर। एंड इस पर आने के बाद दोस्तों, मैं अपने चेहरे पर रख लूँगा इसको, मैं ऐसे कर दूँ फिर से। दोस्तों, मैं फोटो कर दूंगा राइट। एंड यहाँ से राइट करने के बाद एंड दोस्तों अब मैं आता हूँ टूल्स में। टूल्स माने के बाद दोस्तों एडजस्ट पर। एडजस्ट माने के बाद इसकी थोड़ी सी मैं कंट्रास्ट को इंक्रीज कर दूंगा, इसकी सेजुरेशन को थोड़ी सी डिक्रीज कर दूंगा, इसकी टेम्प को मैं थोड़ी सी डिक्रीज कर दूंगा, इसकी सेजुरेशन को थोड़ी सी इंक्रीज कर दूंगा, इसकी शैडोस को थोड़ी सी इंक्रीज कर दूंगा। दोस्तों, मैं आता हूँ इरेज के आइकन पर। इसको मैं यहाँ से मैं अपने चेहरे पर इसको मैं ऐसा कर लूँगा फिर से। एंड दोस्तों, मैं ऐसा फोटो कर दूंगा राइट। एंड राइट करने के बाद अब मैं आता हूँ दोस्तों अपने ड्रो टूल में। ड्रो टूल में आने के बाद मैं अपने फोटो को सेव इमेज कर लूँगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।